तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राजी उन्होंने इस मुकालमा का एक हिस्सा लिखा फलम मात इद्दात फ़ातिमा तो जब रसूल करम नूर मुजस्म शफी मुज़म सल्लासम का विशाल हुआ तो رضی फ़ातिमा रदी अल्लाह ने दावा फरमाया अन्ना का नूह फद का नबी अक्रम नूर मुजस्म शफ़ीआज़म सल वसम ने मुझे फदक अतिया फरमाया था फ़क अबू बकर रजी अल्लाह तकालमा के वक़्त अंत तजुन्ना से अलैया फ़कर व अहब हम इलैया गना हज़रत सैद फ़ात ज़हरा रजियल्ल्ह् तहा से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हुए और उनके मकाम व मरतबा का एतराफ़ करते हुए फरमा अंत आजुल्ला से अलैया फ़कर के पूरी कायनत में ए फातमत जहरा रजी अल्लाह तहा आपका माली तौर पर माजल्ला नादार होना फकर आ जाना ये जितना मुझ पे गिरा है इतना और किसी का फकीर हो जाना गिरा नहीं है वह अहब हम इलैया गना मुझे कायनात में और किसी के गनी होने पर वो खुशी नहीं जो आपके गनी होने पर खुशी है लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ से क्यों नहीं दे रहा फदक से उसकी वजूहत को बयान करते हुए आपने जो लफज़ बोले वो लफज़ बड़े काबिल गौर हैं और जो लोग अब चौदह सदियों का असूल छोड़ के कहते हैं उस वक़्त की कोई दलील पेश करो उनके लिहाज से भी मैं दलील इमाम राजी की रवायत से पेश कर रहा हूँ ज़ाहिर है कि किताब हज़रत सिद्दीक अकबर या हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तमां की तो कोई छपी हुई मिलती नहीं उनसे ही आगे लिखा गया ये लफ्ज़ जो है मैं तर्जमा नहीं करूंगा इनका लेकिन आसान बड़े हैं तर्जमा हर किसी को वैसे ही आ जाएगा क्योंकि मैं जब तर्जमा करूंगा तो वो फिर काट के इसको एक नई गुस्ताखी बना के कर पेश करेंगे ये कह के अंत आज से इलेया फकर व अहब हूँ इलेया गना यह कह के हजरत सिद्दीक अकबरदी अल्लाह तुने फरमा लाकिन्नी ला आ रेफो से हाता कौ के ला आ रेफो से हाता कौले के लाकिन्नी ला आ रेफो से कौले के तो मुखालिफ फरीक में जितने हजरात हैं मैं उन्हें कहूँगा कि ज़रा आवाम को ये तर्जमा करके बता दें जरत सिदी के अकबर रजी अल्लाह अन हो हजरत फातिमा ताला रजिह का अदब एहतराम उनके फजाइल उनके मनाकिब, अब क्या गुस्ताखी का फतवा माजल्ला वहां तक लगाया जाएगा अमीरुल मोमिनीन तक या कम अज कम इमाम राजी को तो इसमें महाजल लाया जाएगा नहीं मकाम के मुताबिक इसका मतलब बताया जाएगा जिसमें सैदा के खाते ना झूठ पड़ेगा ना आय आएगा और वही खुलासा निकलेगा जिस पर आज इन लोगों ने शोर मचा रखा है वरना डायरेक्ट अगर देखेंगे तो उसके मुकाबले में कि जब मांग रही थी तो खता पर थी जो हज़रत सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह तला बोल रहे हैं ये कई गुना भारी अल्फ हैं क्या लफज हैं कि जब सयदा फातिमा रजियाल्लाह ने इदाअ दावा किया तो हजरत सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह तला ने उनके फजाइलो कमाल बयान करके आगे हदीस के हवाला देते हुए फरमा दिया कि आपने जो दावा किया उसके लिहाज से मैं ये कहता हूं ला किन्नी ला आरिफो से ये उस तमाम तबके पर जो कहते हैं ये आज तक कहा ही किसी ने नहीं और फिर जब हमने अभी अकाबिर की मिसालें बयान की तो वो अकाबिर भी आसमान हिदायत के सितारे हैं लेकिन उन्हें यह कहकर के वो एक मौलवी साहब थे कुछ साल पहले वो फौत हो गए उन्होंने कह दिया तो क्या हो गया वो एक मौलवी साहब नहीं वो कितने अकाबिर हैं और फिर जो डिमांड है कि हमें सिहाबा की बात बताओ तो मैं सिहाबा की बता रहा हूं और जमाने के इतने बड़े इमाम के हवाले से जिन्हें फखरे राजी कहा जाता है और ये अल्फाज मैं तर्जमा नहीं कर रहा लेकिन उनके लिए ये मैं पेश कर रहा हूं स्क्रीन पर उन्हें नजर आएंगे और उन्हें कहूंगा कि मजीद कोई गुस्ताखियों के घोड़े दौड़ाने के बजाय पहले ये तर्जमा करके बताओ क्योंकि अभी तक तो वो उर्दू किताब तस्फिया की चार लहनों का भी तर्जमा तशरी नहीं बता सके दिन रात जोर लगाकर सब मिलकर और अभी तक वह अल जारी का जो एक सफा दिया था और उस सफे की चार चार्च लाइने थी जिनका तर्जमा करना था जो मैंने खुलासे के तौर पर जिक्र किया तो वो मेरी एक जुदा गुस्ताखी बना के पेश कर रहे हैं या तो फिर एक एक करके सारे इमामों को कैंसिल करते जाओ अब लगता ऐसे ही है कि एक नए कवानीन वजह किए जा रहे हैं जिनकी जड़ें ना जमीन में है और टहनिया ना आसमानों में हैं ये इमाम राजी हैं जिक्र कर रहे हैं हजरत सिद्दी अकबर रदी अल्लाह त ये होमवर्क है उन लोगों के लिए जो रोजाना फजाई तकरीरें करते हैं आज तक एक हवाला अपने मौके पर एक हवाला भी कि इस चीज पर तारीख में किसने क्या हुक्म लगाया है नहीं पेश कर सके और फिर ये कहते थे कि तारीख में कभी ये किसी ने कहा ही नहीं तो मैंने कहा था मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तारीख में जिसने भी रवाफज का रद्द किया है उनकी इस दलील का तो मुझे एक भी बताओ कि जो इन लफ्जों के बगैर रद्द करके गुजर गया हो हजरत सिद्दीक अकबर रजीलो की सदाकत से निकले हुए अल्फाज पहले बाकायदा तमहीद बांध के जिन्होंने कहा कि आपका मालो दौलत के लिहाज से खुशहाल होना जितना मुझे पसंद है इतना और किसी का नहीं मुझे अपनी बेटियों से वो प्यार नहीं जो आपसे है अकीदत मुझे लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जिस फरमान के पेश नजर मैं ये फैसला कर रहा हूं